हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप आई एस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर डिस्कशन टुडे आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो करंट कम कन्वेंशनल होते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार और ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ये करंट का सेक्शन था कि कन्वेंशनल सेक्शन था तो उसमें जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो होगा वीडियो एट वो दो पार्ट में आपके सामने आएगा बिकॉज जो सेक्टर है वो एक है लेकिन कई सारे न्यूज़ थे जिसको मुझे लगता है जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आप कई लोग देखते नहीं हैं उसको आपको लगता है पंद्रह मिनट सत्रह मिनट चला जाएगा इसलिए मैंने कोशिश की इसको दो पार्ट में कर दिया जाए ताकि आप इजीली इसको सुन पाएँ या इसको देख पाएँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है खास करके उनके लिए जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो आप खुद इस वीडियोस को देख सकते हैं जो आपके फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं आई होप ये आपको फ़ायदा दे सकता है तो देखते हैं आज कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस जिसपे हम डिस्कस करेंगे बैंकिंग सेक्टर के जो भी इंपॉर्टेंट नॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर हम बात करेंगे जैसे कि बेजल नॉर्म्स काफ़ी न्यूज़ में रहता है बट हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये बेजल नॉर्म्स है क्या फिर बैंकपसी कोड ये भी काफ़ी न्यूज़ में है एक म्यूनसिपल बॉन्ड है जो नया हो सकता है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री नाम की एक चीज़ आई है वो देख लेंगे क्या है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आप जानते ही हैं बट थोड़ा सा और हम इसको कन्वेंशनल तरीके से देख लेंगे एंड मिशन इंद्रधनुष ये क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो चलिए आज देखते हैं सबसे तो पहला टॉपिक जो हमारा है वेच इज़ बिजल नॉम्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेजल नॉर्म्स क्या है तो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने का ये एक मैकेनिज्म है ठीक है इट्स जस्ट अ रूल आपको याद रखना है कि एक रूल है बेजल एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड में है याद रखेगा और वहां पर तो बेज़ल में जो कमेटी है जो कि बैंकिंग सुपरविज़न पे काम करती है उनके द्वारा नॉर्म्स बनाए जाते हैं और अभी हमारे सामने तीसरा नॉर्म्स आ चुका है यानी कि बेज़ल वन था टू था एंड उसके बाद थर्ड आ चुका है तो उस पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमें देखना है याद रखना है वन एंड टू के बारे में बेसिक आप जान सकते हैं कि कब इंट्रोड्यूस हुआ क्या हुआ बेजल थ्री के बारे में आपको ये जानना है कि इसमें जो भी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट बातें इसमें की गई हैं उसको इंडिया ने भी अडॉप्ट किया नहीं है याद रखना है और इंडिया का टारगेट था भी 2018 से इसको अप्लाई करने का बट थोड़ा सा इसको डिले कर दिया गया है 2019 से हमने ऐसा सोचा है कि वी आर गोइंग तो टू अडॉप्ट बेजल नॉम्स थ्री इसको ये डिफरेंस है इसको क्लियर रखेंगे और इसके अलावा याद रखना है बेजल स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है और इसमें जो बेजल थ्री है उसमें क्या चीज़ें किस चीज़ों पर ध्यान रखा गया है तो देखिए फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2007 से 8 में ग्लोबल लेवल पे उसमें कुछ चीज़ें देखी गई जैसे कि काफ़ी ज़्यादा बैंक जो थे वो लोन दे रहे थे डेवलप्ड कंट्रीज़ में और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी बाद में इतना ज़्यादा लोन दे दिया गया था कि बाद में नहीं आ पाया और उससे ग्लोबल क्राइसिस आ गई थी तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा सुनते रहते हैं सी का कैपिटल एडिक्वेट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सी आप इसको ऐसे समझें कि कैपिटल एडिक्वेट रेशियो क्या होता है इट इज़ अ रेशियो ये एक रेशियो है मतलब जब बैंक लोगों को पैसा देती है जब बैंक बाहर मार्केट में पैसा देती है तो इस रेशियो में ये देखना होता है कि क्या बैंक के पास उस रेशियो में कितना पैसा कि बैंक जितना पैसा मार्केट में दे रही है उसका कुछ अमाउंट उसका सर्टेन रेशियो उनके पास भी होना चाहिए क्योंकि कई बार अगर ऐसा हो जैसे कि डिपॉज़िटर्स आते हैं पैसा जमा करने के लिए बैंक में आते हैं फिर बैंक का आपको सिस्टम आपको पता होगा तो उन्हीं पैसे को फिर वो बाहर दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं और ये सर्कुलेशन चलता रहता है मनी का लेकिन अगर अगर कभी ऐसा होता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं वो अपना ज़्यादा पैसा लेना चाहते हो जितना उन्होंने जमा किया है उसमें वो बहुत हाई अमाउंट लेना चाहते हो अगर आपके पास ना हो बैंक के पास ना हो तो क्या हो जाएगा दिक्कत हो जाएगी इनसिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगी और मार्केट में फिर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी तो इसको खत्म करने के लिए इसको कर्व करने के लिए सी ए आर का कॉन्सेप्ट लाया गया दैट इज कैपिटल एडिक्वेट रेशियो आप जितना पैसा बाहर देते हो लोगों को आप जितने पैसा लैंडिंग करते हो उसका एक सर्टेन रेशियो आपके पास होना चाहिए ये इस नॉर्म्स में कहा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेजल नॉम्स ही इसको क्लियर रखेगा नेक्स्ट है बैंक करप्सी कोड के बारे में देखिए अभी एक डाटा सामने आया था इसमें आरबीआई ने ऐसा हिंट दिया है कि पावर टेलीकॉम स्टील और टेक्सटाइल जैसे जो सेक्टर्स हैं काफी स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है मतलब इनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वहां से पैसे वापस नहीं आते हैं और ये काइंड ऑफ एक हिंट दिया गया है तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको पता है कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाते हैं उसके लिए एक पूरा नॉर्म्स लेकर के आइए बहुत सारे तरीके हैं गवर्नमेंट के पास और उसी में से एक है इंसोलवेंसी एंड बैंक करपसी कोड टू तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया है आर एक्ट को अमेंड किया है और इनको जब इनकी जो पावर है उसको और बढ़ाया है सेंट्रल बैंक को ये पावर दे दिया गया है डायरेक्ट पावर दे दिया गया है कि ऐसे जो इंसोलवेंसीज होते हैं उसमें वो एक्शन ले सकते हैं अगेंस्ट द इंडिविजुअल अकाउंट्स तो ये एक अथॉरिटी दी गई है आरबीआई को अमेंड करके हालांकि इसको याद रखें और दूसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में है क्या क्या ये कोड जब लाया गया तो इसमें बहुत सारे नॉर्म्स को जोड़ा गया जो इंसॉल्वेंसी बैंकसी होता था उसको कर्व करने के लिए इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं दूसरा आपको याद रखना है तो पॉइंट आपको याद रखना है कि इंसॉल्वेंसीज को रिजोल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाता है लोगों को या कंपनीज को इसमें वन डेज का टारगेट दिया जाता है अगर वन डेज में वो रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उसको बढ़ा करके टू डेज तक किया जाता है कंपनीज के लिए याद रखना है और उसके बाद एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है अब यहाँ पे दो बातें हम लोगों ने कई बार डिस्कस की है डीआरटी के बारे में और एनसीएलटी के बारे में तो आपको ये याद रखना है कि जो डीआरटी है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है उसको इंडिविजुअल के लिए रखा जाता है ठीक है इंडिविजुअल की कंप्लेन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में की जा सकती है और जो कंपनीज़ होते हैं जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनका कम्प्लेन एनसीएलटी में किया जाता है दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल याद, याद ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और उसके बाद उसको बना दिया गया था तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बहुत दिनों से है बट इसको अभी इसमें ऐड कर दिया गया है ठीक है इसी से जुड़ी हुई एक दो बातें और देख लेते हैं कि पहले तो ये याद रखें कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर में आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे अगर छोटा सा स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा तो ये इन्सोलवेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया किसके अंदर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है इनेबलिंग प्रोविजन्स टू डील विद द क्रॉस बॉर्डर इंसॉलवेंसीज याद रखना है कि इनके पास पावर होता है प्रोविजन होता है कि वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉलवेंसी जो है उनको भी रिजॉल्व कर सकते हैं वहाँ उसको भी डील कर सकते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस दैट इज़ एन ई एस एल बिकेम इंडियाज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी पहला इंडिया का इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये बना है बैंक करप्सी केसेस को रिजोल्व करने के लिए इस कोड के तहत ठीक है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस नाम सुना हुआ होगा तो वहाँ पे क्लिक कर पाएंगे अगर एग्जाम में आता है तो इम्पॉर्टेंट है ये बातें ध्यान में रखेंगे दूसरा है म्यूनिसिपल बॉन्ड थोड़ा सा नया है लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि भाई क्या है म्यूनिसिपल बॉन्ड तो आपको पता होना चाहिए या फिर कौन सी कंट्री ने इसको लॉन्च किया है तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए देखिए ट्वेंटी फोर इंटू सेवन वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है पुणे में दैट इज इन महाराष्ट्र उसको फाइनेंस करने के लिए इस बॉन्ड को जारी किया है ठीक है पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने याद रखेगा इसको म्यूनिसपल बॉन्ड को पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लॉन्च किया गया है और ये अभी तक का हमें क्यों जाना जरूरी है बिकॉज अभी तक का ये इंडिया का बिगेस्ट म्यूनिसिपल बॉन्ड प्रोग्राम है इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है म्यूनसिपल बॉन्ड कहाँ पे अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से लॉन्च किया गया है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ये सेम स्टेटमेंट आपके एग्ज़ाम में आएगा इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से भी दिया जा सकता है कि क्या किसी वाटर प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए क्या कोई म्युनसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि वाटर सप्लाई वगैरह प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए म्यूनिस्पल बॉन्ड या कोई बॉन्ड इश्यू कर सकती है तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे दूसरा यहाँ पे क्या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सिटी में ऐसे बॉन्ड्स को इशू किया जा सकता है जैसे कि मेट्रो रेल को डेवलप करना हो तो उसको इसके लिए इस ऐसे बॉन्ड को इशू किया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि ऐसे बॉन्ड्स को कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ख़रीद सकता है एज वेल एज पब्लिक कैन ऑल्सो बाय दीज बॉन्ड्स याद रखिएगा कि पब्लिक भी इस बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो खरीद ही सकते हैं तो ऐसे बॉन्ड्स के लिए परमिशन कौन देता है इस म्यूनसिपल बॉन्ड्स को परमिशन मिला है सेबी की तरफ से ठीक है ये भी आपको इंपॉर्टेंट है लाइन याद रखना है दूसरा ये कब से एग्जिस्ट करता है तो ऐसा नहीं कि म्यूनसिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इसको नाइनटीन में ही इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और ऐसे और भी सिटीज़ हैं जो इसका इस्तेमाल कर चुके हैं ये भी ध्यान में रखेंगे अहमदाबाद बेंगलुरू नासिक मदुरई इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा चुका है ऑब्जेक्टिव क्या है ऑब्जेक्टिव इतना सा है कि जो सिटी है सिटी कॉरपोरेशंस हैं वो डायरेक्टली फंड को रेज़ करके अपने यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क में लगा सकती है रदर देन कि ग्रांट्स वगैरह का हेल्प लिया जाए स्टेट एजेंसी से या फिर वर्ल्ड बैंक से तो इसको रिप्लेस करने के लिए ऐसे बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है दूसरा है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्यों है बिकॉज आरबीआई ने एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनाया है ठीक है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के ऊपर इंडिया में और टू कीप एग्जिस्टेंस द डाटा बेस क्या होता है पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री इसमें जो भी लोगों को क्रेडिट दी जाती है क्रेडिट मतलब लोन उधार तो जब किसी लोगों को यानी कि पब्लिक की बात करिए अगर पब्लिक को क्रेडिट दिया जा रहा है तो उसकी रजिस्ट्री की जाती है मतलब एक जगह पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि इसमें यह पता लगाया जा सके कि जो क्रेडिट दिया जा रहा है वो कितने हद तक दिया जा रहा है किस बेसिस पे दिया जा रहा है वो गुड बॉरोवर्स हैं कि नहीं है तो उसके लेवल पर अभी देखिए एनपीए का जो कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका नुकसान ऑल ओवर इंडिया को हो रहा है और इवन इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है तो उसको कर्व करने के लिए आरबीआई ऐसे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करती है ये जो रजिस्ट्री बनाई गई है इसका एक पॉजिटिव मीन्स भी है इसका पॉजिटिव मीन्स क्या है देखिए कई बार क्या होता है जब ऐसे अभी एनपीए वर्गर की बात आ रही है तो बैंक ओवर्स आते हैं उनको बहुत ही शक की निगाह से देखा जाता है कि पता नहीं पैसा लेके जाएगा वापस करेगा या नहीं करेगा तो उसमें क्या होता है जो गुड बॉर होते हैं उनका भी नुकसान हो जाता है या जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में लोग होते हैं या छोटे छोटे इंटरप्रेनर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तो इसके लिए ये पूरी रजिस्ट्री तैयार की जाएगी इसमें देखा जाएगा कि जिनका की डाटा सही रहा है जो पहले पैसा ले गए हैं इसको वापस कर दिया है उन कॉस्ट पर क्रेडिट प्रावधान क्रेडिट मुहैया कराया जा सकता है तो इसमें गुड बॉरोवर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा एंड इट इज़ मेनली सेटअप बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सेंट्रल तो बैंक के द्वारा इसको बनाया जा रहा है एंड इट मेनली रिकॉर्ड ऑफ द इंडिविजुअल एंड फर्म्स ऑन रीपेमेंट हिस्ट्री याद रखेगा इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं या फिर सिर्फ फर्म ही नहीं बल्कि दोनों हैं दोनों का रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कितना रीपेमेंट किया है हिस्ट्री में कैसा उनका क्रेडिट ऑलमोस्ट ऑल ओवर रहा है तो इंपॉर्टेंट है ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री याद रखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी आपने इसके बारे में काफी पढ़ा हुआ है आपको याद होगा कि की एक्ट को अमेंड करके बनाया गया है ठीक है ये छह मेंबर की एक कमेटी होती है और ये क्या तय करती है इंटरेस्ट रेट को तय करती है आप तो ये कमेटी मिलकर के इंटरेस्ट रेट को तय करती है आपको याद होगा कि आरबीआई को अभी बोला गया है कि फोर प्लस माइनस टू परसेंट तक का जो इन्फ्लेशन है वो उनको कंटिन्यू रखना है तो काफी इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसके बारे में और चीज़ें जान लेते हैं कंपोजिशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है तो इसमें आरबीआई के तीन मेंबर होते हैं याद रखिएगा अभी हमने देखा कि सिक्स मेंबर की बॉडी है ये इसमें थ्री फ्रॉम आरबीआई और थ्री फ्रॉम गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं ठीक है तीन मेंबर जो आरबीआई के होते हैं उसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होते हैं और एक कोई ऑफिस ऑफिसर होगा आरबीआई का जो इसका मेंबर होगा तीन लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसके बाद मेजार्टी वॉइस ऑफ द कमेटी विल बी फाइनल तो इसमें मेजारिटी वॉइस देखी जाएगी ओवरऑल और फिर उस पर फ़ाइनल किया जाएगा इंटरेस्ट रेट को तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड मैम एक बात एक और याद यहाँ पे रखनी है कि मेंबर ऑफ एम विल बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर याद रखिएगा एंड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट क्या याद रखना है कि इस कमेटी में चार साल के लिए लोगों को अपॉइंट किया जाएगा और इसके बाद वो री अपॉइंट नहीं होंगे इसको ध्यान में रखना है और अब नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मिशन इंद्रधनुष देखिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो हेल्थ पर भी है एक इम्यूनाइजेशन के लिए लाया गया है बट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए ये इट इज़ अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ पीजे नायक कमिटी पीजे नायक की कमेटी जो बनाई गई थी उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था मिशन इंद्रधनुष का इसलिए आप उसको याद रखिएगा और इसको मिनिस्ट्री ऑफ़ फ़ाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ़ फाइनेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है मिशन इंद्रधनुष को और यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स हैं आपको याद रखना है ए से लेकर के एफ़ तक ए से एफ तक का जो टर्म है वो याद रखना है कि अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ ब्यूरो कैपिटलाइजेशन ड्री स्ट्रेसिंग एम्पावरमेंट फ्रेमवर्क किस चीज़ का इन द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म ये सेवन की रिफॉर्म है जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया है इस मिशन के तहत याद रखना है ए से क्या है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट कैसे हो किस तरीके से हो दूसरा बोर्ड ऑफ ब्यूरो बोर्ड ऑफ ब्यूरो कैसा हो कैपिटलाइजेशन डिस्ट्रेसिंग एम्पावेंट फ्रेमवर्क ये इतनी बातें याद रखनी है जो इस में गवर्नेंस रिफॉर्म में बता और पीजे नायक कमेटी को इसलिए ही बनाया गया था बोर्ड बैंक जो होता है उसको रिफॉर्म करने के लिए उनको स्टैब्लिश किया गया था इस कमेटी को उसके चेयरमैन पीजे नायक थे ठीक है तो इंपॉर्टेंट है ये मिशन इंद्रधनुष तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बिंग विद मी है वॉचिंग डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज को जरूर देखें जिसको टाइम नहीं मिल रहा है अभी करंट का न्यूज़ नहीं देखना चाहते हैं तो वो उस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो जिनको इस बार एग्जाम देता है बट वो इस वीडियो को स्किप ना करें जिसमें कि कन्वेंशनल या टॉपिक वाइज सेक्शंस को डिस्कस किया जा रहा है तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को जरूर करें पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं किसी का भला करने से आपका बुरा नहीं होता है हमेशा याद रखेगा तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द डिस्कशन और ये वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट स्टेपअप डॉट कॉम वहाँ पर पी डी एफ अपलोड कर दिया जाएगा आप उसको वहाँ से ले सकते हैं थैंक यू